राजधानी दिल्ली में महिला की संदिग्ध हालात में मौत। मामला केशवपुरम इलाके का है, जहां पूजा अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि बीती रात पूजा के पैर में अचानक तेज दर्द हुआ और वो दर्द उसके पेट तक बढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक महिला के घर वालों का कहना है कि पूजा को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और पति भी अपने घर वालों का साथ देता था और दहेज की मांग को लेकर ही ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। होटल पहुंचे तो इन्होंने हमारे पास सुबह 8 बजे फोन किया था कि हमारी लड़की की तबीयत ज्यादा खराब है और तुम लोग इस आ जाओ यहाँ पे अस्पताल में, और जबकि लड़की ख़त्म होके बिल्कुल मर गई थी। उसके बाद में ये लोग हॉस्पिटल लेके पहुँचे उसे, और उसके बाद में जब हम लोग आए हैं उससे पहले ही ये लड़की का पोस्टमार्टम के लिए उसे लड़की को वहाँ से गायब करवा रहे थे अस्पताल से, सारे जने मिलके ससुराल वाले उसके। और फिर उसके बाद में हमने अपने रिश्तेदारों को बोल के बड़ी मुश्किल ही लाश रुकवाई कि मेरे मम्मी पापा जब तक नहीं आ जाएंगे जब तक हम लोग लाश को यहाँ से नहीं जाने देंगे। बता दें, पूजा ने 15 दिन पहले एक बेटी को जन्म दिया है और अब वो मौत के आगोश में चली गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करुणा ठाकुर के साथ शहजादा हाशमी की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।